गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश पर फिरा पानी। यूपी के मुख्यमंत्री प्रदेश की सड़कों के लिए संजीदा, लेकिन अधिकारी सरकारी की उम्मीदों पर फेर रहे पानी। आखिर कब होगा उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त? विभाग के मंत्री लगातार दे रहे हैं पैच रिपोर्ट। समय अवधि 30 नवंबर भी हुई समाप्त, प्रदेश आज तक भी नहीं हो पाया गड्ढा मुक्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए कई दफा अभियान चला चुके हैं, लेकिन हर बार की तरह यूपी की सड़कों के हाल सामने आते ही रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए नगर निगम, पीडब्ल्यूडी विभाग और एलडीए विभाग को निर्देशित भी किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गड्ढा मुक्त अभियान की समय सीमा 30 नवंबर तक रखी थी और विभाग के मंत्री लगातार डेली रिपोर्ट भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रदेश की सड़कों के हाल बेहाल है। ऐसे में सवाल है कि आखिर उत्तर प्रदेश की सड़कें कब होंगी गड्ढा मुक्त? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश की सड़कों को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी सरकार की मंशा पर पानी फेरने में लगे हुए हैं। योगी सरकार ने 30 नवंबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश दिए थे और इसके लिए बकायदा करोड़ों का बजट भी जारी किया था, लेकिन अधिकारियों ने कागजों में ही सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया। प्रदेश की सड़कें भले ही कागजों में गड्ढा मुक्त हो गई हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। पहले हम सुनवाते हैं कि राजनीतिक लोग क्या कहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश करने की बात कही गई थी और 15 नवंबर उसकी तय तारीख दी गई थी, लेकिन तारीख बढ़ती गई और कितना गड्ढा मुक्त हो पाया उत्तर प्रदेश, क्या है विपक्षियों का कहना और क्या कहते हैं हम लोग, पहले हम आपको ये दिखाते हैं फिर बताते हैं कि कितना गड्ढा मुक्त हुआ उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश की सरकार काम करने में विश्वास नहीं करती है, बोलने में विश्वास करती है। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के सड़कों पर जो गड्ढे हैं वो बातों से भर दिए हैं। अब उनको भरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्होंने बोल के कह दिया है कि गड्ढे भर गए, तो उत्तर प्रदेश की जनता को गड्ढों में चलते हुए मान लेना चाहिए कि योगी और मोदी ने जो कहा है कि गड्ढे भर गए वो भर गए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की 9 सालों की सरकार में विपक्ष के अलावा भाजपा के किसी भी नेता के यहाँ CBI ED की कोई कार्रवाई नहीं। और जहाँ तक माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी का है, अभी कुछ इन्होंने नहीं, मैं कह तो रहा हूँ जी कि मायावती जी तो लाख बार कोशिश की कि पूर्व में एक सरकार रही 2012-17 तक उसका कार्यकाल रहा। उस सरकार के दौरान कई ऐसी चीज़ें रहीं जो सवालों में आती रहीं, घेरे में होती रहीं, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी एजेंडे में भ्रष्टाचार को लेकर के, गड़बड़ियों को लेकर कुछ विषयों को पब्लिक में कहा था, उन सब की जाँच के आदेश वगैरह हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार में आते ही उनके आदेश किए, और आदेश के बाद फिर हुआ और जांच में काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें निकली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सिक्योरिटी कम कर देना या कोई केस लगा देना, मुझे तो डर है कहीं आतंकवादी न घोषित कर दें, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ भी पॉसिबल। तो सुना आपने किसने क्या कहा और आखिर इन नेताओं की बयान की सच्चाई क्या है, ये तो आप खुद जानते होंगे, पर मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप प्रदेश गड्ढा मुक्त आखिर क्यों नहीं हो रहा है, ये तो समय ही बताएगा। पर ये कहना गलत नहीं होगा कि विभाग सिर्फ तारीख पर तारीख देता नजर आ रहा है। लखनऊ से सीनियर करेस्पोंडेंट शशांक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करना सरकार की प्राथमिकता रही है और इसी प्राथमिकता को लेकर लगातार वो पर डे की डेली रिपोर्ट भी बनवा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की अगर बात करें जितिन प्रसाद, लगातार इसकी पर डे की रिपोर्ट दे रहे हैं कि अब गड्ढा मुक्त प्रदेश को बनाने के लिए, उसको पैच कराने के लिए उनकी सरकार, उनके कर्मचारी प्रतिबद्ध हैं और पर डे DSR रिपोर्ट यानी डेली की जो सर्विस रिपोर्ट है वो दी जा रही है। ऐसे में प्रदेश जल्द ही गड्ढा मुक्त हो पाएगा, ये कागजों पर रहेगा या सड़क पर भी उतर के आएगा, ये तो आने वाला वक्त आएगा। कैमरामैन रोहित के साथ शशांक श्रीवास्तव, MKN News, लखनऊ।